यहाँ मैंने इस वीडियो के अंदर अपनी एक सब्सक्राइबर के क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी प्रेगनेंसी का 5वें 6ठे महीने के ऊपर कोई भी महीना चल रहा है, कहने का मतलब है कि 6ठा 7वां 8वां और 9वां महीना चल रहा है, इस केस में उन्हें अपने एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा ख्याल रखना है। पहले ये बता दिया जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एक, इस भाषा में कह सकते हैं कि पानी की ऐसी थैली होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो आपका पूरे 9 मंथ तक सर्वाइव करता है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही उसे भरण पोषण की सारी चीज़ें मिलती है। तो ये जो फ्लूइड है ये कम नहीं पड़ना चाहिए। जब भी ये फ्लूइड कम हो जाता है तो बच्चे के भरण पोषण में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस फ्लूइड को, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त है, यानी कि जितना आपके बच्चे को चाहिए उतना है, तो वो आप कैसे जानेंगे, घर बैठे इन चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं। तीसरा, एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये चीज़ें बताती हैं ईजिली कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो चुका है, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। मोस्टली एमनियोटिक फ्लूइड कब कम होता है, जब 8वां और 9वां महीना स्टार्ट होता है। मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे भी प्रेगनेंसी के अंदर जब मेरा 38 वीक चल रहा था तब मुझे पता चला कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका लेवल डाउन जा चुका है और वो बहुत कम हो चुका है। तब मैंने क्या किया था, कौन से स्टेप उठाए थे, किन किन चीज़ों की डाइट ली थी और कैसा डाइट हम लेंगे जिससे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमेशा पर्याप्त रहेगा और बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम होम चैनल में। अगर पहली बार आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ इस वीडियो के अंदर गाइस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस को यहाँ आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, हम यहाँ जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। हमें सब कुछ पता चल गया कि वो होता क्या है। अब है कि एमनियोटिक फ्लूइड हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्याप्त है या फिर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जो अल्ट्रासाउंड की जो आपकी रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के सामने में लिखा रहता है कि एडिक्युएट। एडिक्युएट क्या होता है, एडिक्युएट मतलब होता है कि पर्याप्त, यानी कि जितना आपके बच्चे को चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड उतना आपके में ऑलरेडी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब है देखिए, जब भी आपकी प्रेगनेंसी का 1 से लेकर 6ठा महीने तक चल रहा होता है, इस केस में एमनियोटिक फ्लूइड कभी भी कम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं कम पड़ता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि बच्चा ही बहुत छोटा होता है तो उसको बहुत ही कम फ्लूइड की ज़रूरत होती है। एक तरह से कहा जाए तो बच्चों के लिए जो माँ का जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो भी थैली है इसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है कि बच्चे स्विमिंग तक करने लगते हैं। इस तरह की भी चीज़ें सामने आती है कि बच्चे उसमें तैरने लगते हैं, घूमने लगते हैं, बहुत सारा फ्लूइड होता है। इसलिए उस 1 से लेकर 6 महीने तक फ्लूइड की कमी किसी भी महिला को नहीं होती है। लेकिन भाई 6 महीने के बाद, 7वें महीने से या 6ठे महीने के लास्ट वीक से क्या होता है कि बच्चे का जो वेट है ना, वज़न बढ़ना स्टार्ट होता है, बच्चे की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होती है। और जब भी बच्चे की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होती है, बच्चे का वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, वो जो छोटा सा घर है ना वो उसके लिए कम पड़ने लगता है और उसको फ्लूइड की कमी होने लगती है। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए सभी महिला के अंदर फ्लूइड की कमी नहीं होती, किसी में होती है और किसी में नहीं होती है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप में है, आप में कम तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी किसी में ही कम होती है। जैसे कि मैं मेरी बात बताऊँ तो मुझ में कम हो गया। क्यों कम हुआ, कैसे हुआ, अगर बात किया जाए पानी पीने का, बात किया जाए फ्रूट्स खाने का, तो वो मैंने खाया था। देखिए गाइस, मैं मेरी प्रेगनेंसी में सीरियस थी लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी नहीं थी। वो तो मैं डॉक्टर्स के यहाँ विजिट करते करते और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को समझते समझते मुझे इतना समझ आया प्रेगनेंसी के बारे में कि आज मैं आप सभी के साथ अपने उस सारे लम्हों को शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा फ्लूइड कम हुआ क्योंकि मुझे लीकेज होने लगा, जो जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज वो ज़्यादा आने लगा। ये चीज़ें मुझे 36 वीक के बाद ऐसा लगा मुझे कि मुझे लीकेज हो रहा है, लेकिन मैंने ये बात डॉक्टर को नहीं बताई। क्यों नहीं बताया, क्योंकि कह सकते हैं कि मुझे इतनी समझ थी नहीं कि मैं डॉक्टर को बताऊं। इस केस में क्या हुआ कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, मेरा बच्चा ड्राई हो गया। और जब भी एमनियोटिक फ्लूइड के लक्षण के अंदर आता है, जब भी बच्चा आपका स्थिर रहेगा, ज़्यादा नहीं मूवमेंट करेगा, आपको पेट के अंदर ज़्यादा दर्द की समस्या होगी, इसका मतलब ये है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होने लगा है। इस केस में डॉक्टर से मिलिए, मैं भी डॉक्टर से मिली, उनसे मैंने 3 बॉटल ड्रिप चढ़वाया, पानी चढ़वाया, उसके बाद 38 वीक में पानी चढ़ाया गया मुझे
39 वीक प्लस सेकंड डे के अंदर मेरी नॉर्मल डिलीवरी अपने आप हो गई, लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो गाइज यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया, मैंने लक्षण को बताया और खुद के शरीर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो पता है नतीजा यही होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और आपको सी सेक्शन करवाया जाएगा। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, के लिए बाय बाय, टेक केयर।